वैलेंटाइन डे जिसे लोग प्यार मोहब्बत रोमांस इश्क से सिग्निफाई करते हैं, लेकिन क्या आपको वैलेंटाइन डे के पीछे की दर्दनाक और एक डार्क स्टोरी पता है कि आखिर हम क्यों वैलेंटाइन डे मनाते हैं? इस कहानी के बारे में जानने के लिए हमें प्राचीन रोम में जाना पड़ेगा। 14वीं शताब्दी से पहले वैलेंटाइन डे का मतलब ही कुछ और होता था, कुछ और डिफरेंट होता था। 14वीं शताब्दी से पहले रोम में 13 से 15 फरवरी तक एक त्यौहार होता था जिसका नाम था फीस्ट ऑफ लुपरसेलिया, यानी लुपरसेलिया की दावत, जिसमें जो आदमी होते थे वो बकरी कुत्ते उनकी बलि देते थे और उनके चमड़े से चाबुक बना के जो महिलाएं होती थी उनको कोड़े मारते थे। और इसे बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाता था। उनका मानना था कि ऐसा करने से जो महिलाएं होती है उनकी फर्टिलिटी पावर इंक्रीज होती है। कोड़े खाने के लिए महिलाएं लाइन में खड़ी होती थी, बिल्कुल कतारों में खड़ी होती थी। और उसी त्यौहार में एक और रिवाज था जिसका नाम था मैच मेकिंग लॉटरी। मैच मेकिंग लॉटरी में एक थैला होता था जिसमें लड़कियों का नाम लिखे होते थे, चिट होती थी लड़कियों के नाम की, और जो भी लड़का चिट निकालता था और जिस नाम का चिट निकलेगा, जिस लड़की के नाम का चिट निकलेगा, उस लड़की को 13 से 15 फरवरी के बीच में उस लड़की के साथ वो दिन गुजारने होते थे। और इस प्रोसेस में अगर लड़के को लड़की पसंद आती थी तो उनकी शादी करवा दी जाती थी। और ये जो परंपरा थी, ये जो त्यौहार था, ये सालों तक चलता रहा। फिर 14वीं शताब्दी में ही एक और शासक आया जिसका नाम था क्लॉडियस सेकंड, जो बहुत ही क्रूर शासक था। और उसने इस चीज को एनालाइज किया कि जो उसके लोग है, उसके जो प्रजा है, वो आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। और ये क्लॉडियस सेकंड था, वो हमेशा से एक बड़ा शासक बनना चाहता था। जो भी उसके प्रजा थी जिसमें मैरिड लोग थे, वो लोग प्यार मोहब्बत में ही डूबे पड़े रहते थे और वो लोग आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, जिससे क्लॉडियस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने एक नियम बनाया, कानून बनाया, फरमान जारी किया। और उसमें उसने कह दिया कि कोई भी आज के बाद से शादी नहीं करेगा। शादी पे उसने पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी थी। और जैसे कि वो बड़ा शासक बनना चाहता था, उसको आर्मी की जरूरत थी। एक पादरी थे जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन, उनको भी ये बिल्कुल कानून पसंद नहीं आया, नियम पसंद नहीं आया। लेकिन वो जाके राजा को डायरेक्टली कह नहीं सकते थे कि ये नियम उनको पसंद नहीं आया, ये गलत है। तो उन्होंने धीरे धीरे ही सीक्रेटली जो लोग थे उनके शादी करानी शुरू कर दी। लेकिन जो ये बात थी शादी वाली की, सेंट वैलेंटाइन लोगों की शादी कराते हैं सीक्रेटली, ये बात क्लॉडियस को पता लग गई। और अगले ही दिन जो क्लॉडियस था उसने सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। और ये बात जब लोगों को पता चली तो लोगों में गुस्सा आ गया। लोग जो सेंट वैलेंटाइन थे उनको हीरो मानने लगे अपना, और धीरे धीरे छुपके से वो लोग गिफ्ट भेजने लग गए जेल में सेंट वैलेंटाइन को। लेकिन जो क्लॉडियस था उसको इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो उसने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को फांसी के लिए सजा सुना दी और सेंट वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फांसी दे दी। और सेंट वैलेंटाइन के मरने के बाद भी उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना के रखी। और जो क्लॉडियस था, जो क्रूर शासक था, उसको भी इस बात का पता चला बहुत सालों में, तो उसने इस जो नियम था, कानून था, उसको वापस ले लिया। और आप सबको पता है 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। यही थी कहानी इसके पीछे की। 14 फरवरी को लोग रोमांस प्यार और इससे सिग्निफाई करते हैं। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो।